जिसको एफ ए तक मोबाइल ही नहीं मिला था वो अचानक कमाने लग गया, तो बहुत अच्छी वाइब होती है। 1 मिलियन होने तक मेरे घर वालों को पता नहीं था कि टिकटॉक है क्या और टिकटॉक पे फेमस होने के बाद क्या होता है। जितने भी अभी सेलिब्रिटीज इसको गंदा कर रहे थे आज टिकटॉक पे हैं वो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ खलीलुर रहमान और आप देख रहे हैं GNN+। नाज़रीन, आज की वीडियो में हमारी मेहमान हैं पाकिस्तान की मारूफ तरीन टिकटॉकर हीरा खान, जिनके टिकटॉक पे फॉलोअर्स जो हैं मिलियंस में है और व्यूअरशिप उनकी करोड़ों में है। तो इन्हीं से इनके बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं हीरा खान? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। और सुनाएं, कैसी आपकी लाइफ जा रही है? मेरी लाइफ बहुत अच्छी जा रही है, बहुत बिजी जा रही है। और टिकटॉक पे अभी हैं इन, लेकिन अभी थोड़ा सा ब्रेक भी दिया हुआ बीच में। अच्छा, तो कितने फॉलोवर्स हैं आपके? मेरे टिकटॉक पे 7.1 मिलियन। 7.1 मिलियन फॉलोवर्स? रियली? ओरिजिनल फॉलोवर्स हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आज तक एक फॉलोवर नहीं खरीदा। माशाल्लाह जबरदस्त। और उसके अलावा भी किसी सोशल मीडिया? इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे भी माशाल्लाह कल 600K के हो गए थे। और बाकी भी स्नैक वगैरह पे भी है, लेकिन वो इतने ज्यादा यूज नहीं करते, लेकिन उतने भी मिलियंस में ही है। स्नैक पे भी अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 मिलियन आई थिंक सो, लेकिन मैं बहुत ज्यादा यूज नहीं करती उसका। अच्छा, वैसे टिकटॉकर्स के बारे में काफी मशहूर है कि इन्होंने बड़ा पैसा कमाया है। आपने कितना एक पैसा कमा दिया? मैंने जो कमाया था लगा दिया। अच्छा, कितना एक बताएं तो सही ना, हमें भी पता चले कि आपने कितना एक पैसा कमाया। एक्चुअली हमारी जो अमाउंट है ना, हम गिनते नहीं है, वो आती जाती है, लगती जाती है, आती जाती लगती जाती है। फिर भी अब आपको वैसे नहीं फिर भी थोड़ा बहुत बता देना। नहीं, चोरी हो जाती है। क्योंकि वो कमल अफ्ताब और इनका पता चला था कि इन्होंने 18-19 करोड़ रुपया बनाया। वो भी लोग ही बताते हैं, वो खुद नहीं बताते। अच्छा, हाँ, लेकिन लोग तो कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन इतना नहीं कमाते जितना लोग सोचते हैं। अच्छा, तो यूट्यूब वगैरह पे भी आप हैं? नहीं, मैं यूट्यूब पे नहीं हूँ। वैसे मैंने चैनल बनाया था, मेरा पहला चैनल हैक हो गया था, उसके बाद मैं दिल्ली नहीं गया। तो ये टिकटॉक की जर्नी आपकी स्टार्ट कैसे हुई थी? कौन आपको ये टिकटॉक पे लेके आया? टिकटॉक की जर्नी जो स्टार्ट हुई थी वो इस तरह हुई थी कि मेरे घर के जो बच्चे हैं ये वीडियोज बना रहे थे और मैं इनको देख रही थी ये कर क्या रहे हैं। तो जब फर्स्ट टाइम मेरे पास मोबाइल आया, आई थिंक सो मैंने अभी उस टाइम एफए कंप्लीट किया था अपना, तो उसके बाद फिर मैंने ट्राई किया, 2-3 वीडियोस बनाई, वो 2-3 चल गई। फिर मैंने कहा चलो जी ये अच्छा है, लेकिन तब पता नहीं था कि आगे जाके टिकटॉक को इतनी इंपॉर्टेंस मिलेगी, वो सिर्फ एप्लीकेशन की हद तक था उस टाइम तो। अच्छा जबरदस्त। तो उस वक्त कौन कौन आपके साथ बनाता था, मतलब कौन सा ग्रुप था? स्टार्टिंग में 1 मिलियन जो है वो मैंने खुद ही किया, अकेले किया। उसके बाद हम लोगों की एक गेट टुगेदर थी, आई थिंक सो किसी रेस्टोरेंट की प्रमोशन थी, हम लोग वहाँ पे फिर मिनाहिल वगैरह से मिले, बाकी सबसे मिले, अब्दुल्ला से मिले, फिर वहाँ से हमारा सर्कल जो है स्टार्ट हुआ। वो हमने फिर 1-1.5 साल हम लोगों ने इकट्ठे बनाए। तो वो दोस्त अभी भी आपके साथ हैं या छोड़ गए? नहीं नहीं, जो मेरे स्टार्टिंग से दोस्त हैं वो अभी तक हैं, जो बीच में आए हैं वो चले गए, आए हैं चले गए। कौन से आए गए हैं और कौन से चले गए? बहुत सारे लोग हैं, मतलब उनको आप दोस्त नहीं कह सकते, आपके मतलब अच्छी सलाम दुआ हो जाती है, तो वो सलाम दुआ वाले थे। जो दोस्त हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हैं मेरे पास, मिनाहिल है, वर्दा है, अब्दुल्ला है, सब हैं। अच्छा माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो उसके अलावा टिकटॉक से आपको क्या एक्सपीरियंस मिला है अभी तक? टिकटॉक से एक्सपीरियंस ही मिला है कि आप लोगों को मतलब अच्छा फील होता है जब आप खुद अर्न कर रहे हो, तो एक लड़की होके भी जिसने मतलब जिसको एफए तक मोबाइल ही नहीं मिला था वो अचानक कमाने लग गए, तो बहुत अच्छी वाइब होती है, बहुत अच्छी फीलिंग होती है। घर वालों को भी एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि वीडियोज़ बना के आ जाएंगे। फर्स्ट टाइम जब हम अर्न किया था हमने, तो हम लोग कह रहे थे यार नहीं आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन आगे इसी तरह लड़कियों को, ठीक है मैं ये प्रमोट नहीं करूँगी कि सबकी सारों की लड़कियाँ बाहर निकलें और जाके वीडियोस बनाएं, नहीं, जिनके फैमिली अलाउ करती है, जिनको अच्छे से इजाज़त मिलती है घर से, वो अपना एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें। आपके घर वालों ने इजीली आपको कह दिया था कि बनाओ टिकटॉक? मेरे घर वालों ने इतने ईजी नहीं दिया। 1 मिलियन होने तक मेरे घर वालों को पता नहीं था कि टिकटॉक है क्या और टिकटॉक पर फेमस होने के बाद क्या होता है, तो फिर उसके बाद ऐसे ही आहिस्ता 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 पता चला। मेरा बहुत जल्दी हो गया था, मेरा आई थिंक सो 5-6 मंथ में हो गया था। अच्छा जबरदस्त। तो इसके अलावा कोई आपका फेवरेट कपल हो टिकटॉक के ऊपर? फेवरेट कपल सारे ब्रेकअप हो गए हैं, जो जो अच्छे लगते हैं। हाँ, ये एक चीज बड़ी देखी है वैसे कि टिकटॉक के जो कपल होते हैं वो लाइफ टाइम नहीं चल सकते। नहीं, बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं जो लाइफ टाइम चल रहे हैं, बच्चे हैं माशाल्लाह सबके, अब तो 2-2 बच्चे उठा के घूम रहे हैं वो लोग। हाँ कुछ लोग हैं, लेकिन
उनकी अपनी लाइफ है, मैं उनके सामने कोई नहीं। जैसे हमारे सामने अली भट्ट हो गया और सहर हयात हो गया, अभी तो उनकी शादी हो गई है, वो भी बहुत खुश है अपनी लाइफ में, जहाँ तक हम उसकी वीडियो जरा देखते हैं। और सहर का भी बहुत अच्छी जगह हुआ है, बहुत खुश है, तो कहते हैं नसीब की बात होती है। वैसे उस वक्त सोशल मीडिया पे बड़ा एक चीज चल रही थी कि सहर हयात और अली भट्ट का जो अलहदगी है उसमें हीरा खान का बड़ा रोल है, आप इस बारे में। हीरा खान का रोल इस तरह था कि जैसे अगर आप मेरे फ्रेंड है ना, तो आपकी जो बंदी होगी मैं मेरी उससे ज़्यादा अच्छी बातचीत नहीं होगी, तो जब आप दोनों का आपस में कुछ मसला होगा तो मैं आपको ही प्रेफर करूँगी कि भाई मेरा दोस्त अच्छा है। तो मैं उसको जानती नहीं थी, लेकिन बाद में काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्लियर भी होगी, क्योंकि जब किसी लड़की का ब्रेकअप होता है, जो लड़की उसके बाद वीडियो बना रही होती है वो ऑटोमेटिकली गंदी हो जाती है। खैर अभी अभी हम लोग सोच रहे होते हैं ना, तो वो सारे बचपना लग रहा होता है, जो पीछे दो साल गुजरे हैं बहुत नॉन सीरियस, और वो जैसे आप घर से निकलते हो आपको नहीं पता क्या बोल दिया क्या कर दिया, और ये कैमरे की जो आंख है ये हमें बदनाम कर देती है। वैसे टिकटॉकर्स होते भी बहुत बदनाम है कि इनको अच्छा नहीं समझा जाता हमारी सोसाइटी में। किसको अच्छा समझा जाता है? अब देखो ना, YouTube पे जो कंटेंट लेके आ रहा है वो टिकटॉकर्स को इतना बुरा भला कहते हैं कि ये अब तो यूट्यूबर्स टिकटॉकर को बुरा कहेंगे, टिकटॉकर ब्लॉगर को बुरा कहेंगे, फिल्म स्टार्स जो हैं वो हमें बुरा कहेंगे, हम उनको कहेंगे, तो वो तो ऐसे कंपटीशन होता है, वो ऑटोमेटिकली आप लोग को बिल्कुल फ्रेंडशिप नहीं हो सकती वहाँ पे। आप जितने भी एक्ट्रेस को देखेंगे आप, उनको टिकटॉकर्स नहीं अच्छे लगेंगे, यूट्यूबर्स भी नहीं अच्छे लगेंगे, ब्लॉगर्स भी नहीं अच्छे लगेंगे, तो चलता है। खैर लेकिन वैसे आपके माइंडसेट में जितने भी अभी सेलिब्रिटीज इसको गंदा कर रहे थे आज टिकटॉक पे हैं वो ऐसे ही है। मैं काफी सेलिब्रिटीज को देखता हूँ, वो कहते हैं कि इतने तो हमें नहीं कभी फॉलोअर्स मिले जितने टिकटॉकर्स को मिल जाते हैं। मैं पिछले दिनों एक इंटरव्यू सुन रही थी, उसमें कोई एक्ट्रेस थी, मुझे नाम नहीं याद, तो कहती है मैंने हम लोगों ने एक इवेंट किया और जन्नत ने हमसे ज़्यादा चार्ज किया। तो मतलब आज खुशी होती है, जन्नत हो या कोई भी टिकटॉकर हो, जब वो आगे जा रहा होता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, यार देखो वो बैठ के बता तो रही है कि उसने हमसे ज़्यादा चार्ज किया था। ऐसे ही है, और आप लोग भी काफ़ी चार्ज करते होंगे कहीं इवेंट वगैरह पे जाने के लिए। मेहनत तो है उसमें भी, आप लोग जब जाते हो घर से, एक तो इजाज़त लेनी, फिर जाना, फिर काम करना, फिर जो हम लोगों की तीन चार साल की स्ट्रगल है वो हमने एक स्क्रीन पे अगले को प्रमोट करना है, तो वो हम लोग एक किस्म की। तो आप कितना चार्ज लेती चार्ज करती हैं? मैं टिकटॉक की पर वीडियो 100K, अगर ब्रांड जैसे ओप्पो हो गया या बड़े ब्रांड्स हो गए वो ज़्यादा चार्ज करते हैं, वो 3-4 लाख भी चार्ज कर देते हैं। अब जैसे न्यू ब्रांड्स आए हैं या पेजेस वाले आए हैं या क्लॉथिंग ब्रांड्स आए हैं, तो उनसे कम चार्ज भी कर लेते हैं कभी कभी। तो मिनिमम कितना है? मिनिमम 1 लाख रुपया तो है। अच्छा, 1 लाख रुपया, तो मंथ में कितना है आप कमा लेती हैं? मंथ में आई थिंक सो 4-5 तो आ जाते हैं। अच्छा, ये सारा कुछ पूछवा के जाएगा बातों। अभी मैं कह रही थी मैं नहीं बताऊंगी, और ये बातों में सारी बातें नहीं बता रहे। अच्छा, तो आपका फेवरेट कपल कौन सा है टिकटॉक पे? मेरा फेवरेट कपल कमल जुल्कनैन, एहसन मदीहा भी अच्छे हैं। अच्छा, दोस्त भी हैं आपके? हाँ, दोस्त नहीं कह सकते, अच्छी सलाम दुआ है सबके साथ। दोस्त आप उनको कहते हो जिनसे आप रेगुलरली मिलते हो, जिससे आप इवेंट के इवेंट मिलते हो वो दोस्त नहीं होते। हाँ, लेकिन सलाम दुआ बहुत अच्छी है, रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, वो मेरी करते हैं मैं उनकी करती हूँ। ज़बरदस्त। तो इसके अलावा और भी कोई बिजनेस वगैरह या टिकटॉक के अलावा भी कुछ करती हैं या सिर्फ टिकटॉक पे ही? और मेरी फैमिली बिजनेस है, पापा काम कर रहे होते हैं, वो कहते हैं तुम्हें अभी और बिजनेस करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मुझे काम भी नहीं। अभी मेरी जो मदर है उनका अपना हेयर ऑयल और हेयर शैम्पू का ब्रांड है, और बाबा जी तो जब से पैदा हुए तब से कमा रहे हैं। अच्छा, तो आप लोग वैसे कितने बहन भाई हैं? हम माशाल्लाह 6 बहन भाई। चलें, ये तो आपने टिकटॉक के बारे में बता दिया, अब मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा। पहले और... भी आप ही सवाल करें। नहीं, अभी कुछ डिफरेंट होगा, आपने वन वर्ड आंसर देना है। okay. मैं टिकटॉकर्स के नाम लूंगा, वन वर्ड जो आपके माइंड में आएगा फौरन आपने जवाब देना है। ओके। सबसे पहले जन्नत मिर्जा। क्यूटी। वेरी गुड। और लिशवा अंजुम। यार वो बहुत प्यारी है, माशाल्लाह जन्नत से भी ज्यादा प्यारी है। अली भट्ट अच्छा है। उमर। उमर आजकल बहुत अच्छी मेहनत बॉडी बिल्डिंग पे हो रही है। अच्छा, आपको वैसे बॉडी बिल्डर पसंद है? मुझे नहीं पसंद, मुझे बहुत ज़्यादा बॉडी नहीं पसंद, एक नॉर्मल। जो आप सवाल जो कर रहे पहले तेज से सुन रहे। कमल आफ्ताब मेहनती। जुल्कर नैन एंटरटेनिंग। डॉक्टर मदीहा डॉक्टर मदीहा
अमेजिंग पर्सन। और ईसा हॉक? ईसा हॉक फनी। और उस्मान नसीम को आप जानती हैं? कराची से आई थिंक है। आसिम, आई थिंक सो। वो कह सकते हैं कि नहीं, मैं उनको इतने अच्छे से जानती नहीं हूँ। अच्छा, तो आपका शादी का कब का प्लान है? जब मेरे घर वाले मुझे बर्दाश्त ना कर पाए तब से चली जाऊँ। कब तक का प्लान है? अभी तो कोई प्लान नहीं है। कोई बंदा भी नहीं देखा? नहीं नहीं, मैं सिंगल लाइफ बहुत इंजॉय कर रही हूँ। मैं जब लोगों को देखती हूँ ना, ऐसे बच्चे उठाए होते हैं, तो मैं कहती हूँ यार मैं बहुत अच्छी। जी नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थी हीरा खान। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी वीडियो के लिए वक्त निकाला। और हीरा खान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने GNN Plus के लिए वक्त निकाला।